हेलो माय डियर चिल्ड्रंस, यू नो टुमारो वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इंडियाज 75th इंडिपेंडेंस डे। डू यू नो द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस डे? वेल, ये बहुत ही लंबी कहानी है पर है बहुत प्यारी। हजारों साल पहले इंडिया को सोने की चिड़िया यानी गोल्डन बर्ड कहा जाता था। वो इसलिए क्योंकि भारत के लोग बहुत मेहनत करके अच्छी फसल उगाते थे, अच्छा व्यापार यानी ट्रेड करते थे, दूसरे देशों को के लोग के साथ लेन देन करते थे। भारत में बने सिल्क, मसाले, जूट, कॉटन, वीट दूसरे देशों में बहुत ही लोकप्रिय थे। लोग इन भारतीय चीज़ों को यानी मेड इन इंडिया गुड्स के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार थे। इसी कारण भारतवासियों के पास काफ़ी धन और सोना इकट्ठा हो गया, क्योंकि जब वो ट्रेड करते थे तब उनके पास सोना आता था एज पेमेंट फॉर द गुड्स सोल्ड। दैट्स वाई इंडिया वॉज नोन एज द गोल्डन बर्ड। भारत में उस समय किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पता नहीं कब और क्यों हम कमज़ोर पड़ गए और दूसरे देशों के लोग हम पर राज करने लगे। राज मीनिंग दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर अस, लाइक द मुगल, डच, फ्रेंच एंड द ब्रिटिश इन्वेंटेड इंडिया, और हमारे धन दौलत और हमारे इंडिपेंडेंस सभी को छीन कर ले गए। इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी, मतलब अपनी मर्जी के अनाज नहीं बेच सकते, बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक लिविंग इन अ बिग जेल इन योर ओन हाउस, और इसी कारण शुरू हुई भारत की आज़ादी की लड़ाई। थाउजेंड ऑफ ब्रेव मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रन रेज देयर वॉइस टू बी फ्री फ्रॉम दिस फॉरेन इन्वेडर। हजारों लाखों महिलाओं और पुरुषों बच्चों ने बहुत प्रोटेस्ट करा। मंगल पांडे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी एंड मेनी मोर सच ब्रेव पीपल केम फॉरवर्ड एंड ओपनली चैलेंज द इन्वेडर, लीव इंडिया, भारत छोड़ो। और यह सब करना उनके लिए इतना आसान नहीं था। अपनी फैमिली से दूर रहकर, कभी जेल में, कभी छिप कर, कभी भूखे रहकर, वह फिर भी अपनी आवाज़ उठाते रहे, लीव इंडिया, भारत छोड़ो। इमेजिन स्टेइंग योर ओन हाउस एंड यू कांट ईट, स्लीप ईट एंड प्ले द वे यू वॉन्ट टू। सो इंडिया वेयर डिटरमाइंड टू फ्री द फाइट एंड कैरिड ऑन। हजारों फ्रीडम फाइटर के सेक्रीफाइसेस के बाद फाइनली इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस आफ्टर अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस ऑन द 15th August 1947 व्हेन द लास्ट ऑफ द फॉरेन इन्वेडर लेफ्ट इंडिया एंड बिकम ऑफ द इंडियाज बाय द इंडियाज फॉर द इंडियाज एंड द ट्री कलर इंडिया फ्लैग वॉज होस्टेड विच वॉज सिम्बॉलिक ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। हमारे प्यारे तिरंगा राष्ट्र झंडे के तीन रंग सैफ्रॉन रिप्रजेंट स्ट्रेंथ एंड करेज, शक्ति, साहस और हिम्मत। वाइट रिप्रजेंट पीस एंड ट्रूथ एंड ग्रीन रिप्रजेंट ग्रोथ प्रॉस्पर्टी, और इनके बीच अशोक चक्र विच रिप्रजेंट रिलीजियन। और जब हम अपना इंडिया फ्लैग लहराते हैं, इट जस्ट लाइक राइटिंग योर ओन नेम आउटसाइड योर ओन हाउस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।